आरुषि रोतीला बड़े गाउन के साथ कांस के रेड कार्पेट पर वापस आ गई और उनके इंतजार कर रहे हैं। इनके नीले होठ जुमेरात की रात इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी की स्क्रीनिंग में रेड कार्पेट पर चलते हुए अदाकारा की रगड़े हुए लिबास से मोहब्बत बरकरार रही। आरुषि ने नीले और सफ़ेद रंग का गाउन पहना था। इन्होंने हैरत अंगेज नीले होठों को अपने शक्ल तक रसाई हासिल की। उर्वशी रोतीला की शक्ल 2016 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन के जामनी होठों से मुतासिर थी और ओ जी ऐश्वर्या राय ने चुका देने वाले होठों में हमें हैरान कर दिया था, जिन्होंने ट्विटर को जिंदगी भर की शक्ल के साथ मीम्स फराहम किया। और अदाकारा ने भी आज रात रेड कारपेट पर वॉक की। बुध के रोज उर्वशी रोतीला फिल्म कैबुत्सो मॉन्स्टर की स्क्रीनिंग के मौके पर रेड कार्पेट पर वॉक की, जब पेपराजी ने इन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए गलत समझा जो बरसों से फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं। उर्वशी रोतीला ने जुमेरात को पेपराजी की ओपसी के बारे में कुछ खबरों के क्लिप का इश्तराक किया और इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि आओ लोगों, तो बुनियादी तौर पर आप चाहते हैं कि मैं फ्रांसीसी मीडिया और पेपराजियों पर तंज करूं। बहरहाल फिल्म फेस्टिवल में रुचि रुतीला का पहला दिन और इसके मगरमच्छ के जैसे हार से ग्रहण था और जो बहुत से मीम्स मरकज बन गया था, जिसका जवाब देते हुए इसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, मीडिया के तमाम अरकान के लिए मैं अपने जज्बात से मुंसलिक हूँ, ऊँचे जवाहरात से लेस मगरमच्छ के शाहकार हार से लेकर। रुचि रुतीला ने गुज़िश्ता साल कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने आगाज़ किया था। इन्होंने बशीर रुतीला ने खूबसूरती के चंद मुकाबलों में हिस्सा भी लिया था। सिंग्स ऑफ द ग्रेट, ग्रैंड मस्ती, हेड स्टोरी और जैसी फिल्मों में अदाकारी के लिए मशहूर हैं और चंद मशहूर म्यूजिक वीडियोस का भी हिस्सा रही हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।